नमस्कार, मैं शारदा सिंह, आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना क्षेत्र के गांव खेड़ी सराय निवासी विवाहिता निशु शर्मा पत्नी मनीष उर्फ सोनू की शुक्रवार की सुबह संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। निशु के अचानक मौत होने से गांव में तरह तरह की चर्चाएं व्याप्त हो गई। मृतका के पति व ससुराल पक्ष के अन्य लोग आनन फानन में उसके शव को अंतिम संस्कार के लिए गाँव में स्थित शमशान में ले गए तथा अंतिम संस्कार शुरू कर दिया। इसी बीच किसी ने मृतका की छोटी बहन आरती निवासी मेरठ को इस मामले की सूचना दी, जिस पर मृतका की बहन मेरठ से खेड़ी आ गई तथा मृतका के ससुराल पक्ष पर निशु की हत्या करने का आरोप लगाते हुए डायल 112 फोन कर पुलिस को मामले की सूचना दी, जिस पर विवाहिता की हत्या की सूचना से पुलिस में हड़कंप मच गया। आनन फानन में मीरापुर इंस्पेक्टर विनोद कुमार सिंह डायल 112 अन्य पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे और सूचना देने वाली मृतका की बहन से वार्ता कर मृतका निशु के अधजले शव को जल्दी चेतक से बाहर निकलवाया तथा पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका की बहन आरती ने बताया कि उसके पिता विद्यासागर शर्मा सिंचाई विभाग में कार्यरत थे, जिनकी मौत के बाद उनकी माता कुसुमलता की मृतका आश्रित में नौकरी लग गई थी तथा उसकी बहन निशु की शादी करीब 16 वर्ष पूर्व मनीष के साथ हुई थी। दोनों के तीन बच्चे विशांक, लखन व छवि हैं। आरती का आरोप है कि मनीष छोटी छोटी बातों पर निशु के साथ मारपीट करता था और उसकी माँ कुसुमलता कुछ दिन बाद सेवानिवृत्त होने वाली थी, जिसके लिए उन्हें रिटायरमेंट पर मिलने वाले फंड, भत्ते, पेंशन और अन्य अनुदान की राशि की आधी रकम को निशु का पति मनीष जबरन उस पर माँ से लेने के लिए दबाव बना रहा था, जिसके लिए निशु ने इनकार कर दिया था, जिस पर मनीष उसे आत्महत्या करने के लिए प्रताड़ित करने लगा तथा पति के उत्पीड़न से मानसिक रूप से परेशान होकर शुक्रवार को निशु ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर आत्महत्या कर ली। देर शाम मीरापुर थाने पहुंची मृतका की मां ने दामाद मनीष के विरुद्ध अपनी पुत्री निशु को आत्महत्या के लिए प्रताड़ित करने तथा कुछ लोगों के विरुद्ध शव को आनन फानन में जलाकर साक्ष्य छिपाने का मुकदमा दर्ज कराया। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।